दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम है। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं और देश के 5 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी के साथ अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंस को भी गिरफ्तार किया है। अनुराधा चौधरी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड थी। बॉयफ्रेंड आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान अनुराधा राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई थी और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मदद से अनुराधा की मुलाकात काला जठेड़ी से हुई। पिछले 9 महीने से काला जठेड़ी और अनुराधा लिव इन में रह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराधा के ही इशारे पर काला जठेड़ी राजस्थान में वारदातों को अंजाम देता था। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार पर जिस सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा था उसी के साथ एक और पहलवान की पिटाई हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सोनू महाल काला जठेड़ी का ममेरा भाई है और इसी के चलते पहलवान सुशील को काला जठेड़ी का डर था और उसने जेल में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। बता दें जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल है। फरवरी 2020 में वो फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। उस वक्त जानकारी मिली थी कि जठेड़ी हरियाणा में छिपा हुआ है। उसने दूसरे गैंग के लोगों और पुलिस को भटकाने के लिए ये बात भी फैलाई थी कि वो विदेश में है। फिलहाल ये अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था और जब वो वहां से सहारनपुर आया तो पकड़ा गया। उसके पास एक पिस्टल भी बरामद की गई है। फरारी के दौरान काला जठेड़ी हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एमपी समेत कई राज्यों में छिपा हुआ था। न्यूज डेस्क।